हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, राइट नाउ। आपके लिए हाउ आर दे फीलिंग्स अबाउट यू राइट नाउ। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए राइट नाउ क्या है, इस वक्त आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। यहाँ से देखेंगे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, चलें देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही हैं, इसके आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या है आपको लेकर। ठीक है, चलें मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जिसकी फीलिंग्स आप देखना चाहते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं वो पर्सन की फीलिंग्स में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहा है ये पर्सन आपको लेकर। ठीक है, आप उस पर्सन को मेडिटेट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप साथ डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो सब तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सब तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी। दी हर्मिट, बहुत गहरी सोच में है ये पर्सन आपको लेकर। ठीक है, खास तौर पे रात में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर, कोई काम करते हुए सोच रहा है। मतलब कि कुछ सीरियसली, एक सीरियस एक थॉट, एक सीरियस इस पर्सन के माइंड में, जैसे अगर पास में बहुत एक अगर सीरियस नहीं ले रहा था तो इस टाइम ये पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस सोच में है। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी है, थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। शायद आपको वेट करते करते इस पर्सन का टाइम हो गया कि ये कुछ डिसाइड करे, कुछ डिसीजन ले। ठीक है, इसके पास डिसीजन लेने के लिए और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको लेकर सोच रहा है, कुछ एक्ट नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा, सोच रहा है। हर्मिट की एनर्जी है, बहुत डीप डाउन थिंकिंग कर रहा है इस सिचुएशन के बारे में जो आपके और इस पर्सन के बीच चल रही है। ठीक है, शायद आपसे कह नहीं रहा इतना कुछ जितना सोच रहा है। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। आपके साथ आपकी कंपनी इसको पसंद है। ठीक है, आपका आपका साथ इसको पसंद है, आपके साथ इसको अच्छा लगता है हैंग आउट करना, बातें करना, कम्युनिकेट करना, आपके साथ कनेक्ट होना इस पर्सन के लिए एक अच्छा, जैसे इस पर्सन को आपकी फ्रेंडशिप एक अच्छी लगती है। ठीक है, आपके साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है टाइम स्पेंड अच्छा होता है। आप इसकी सोच में एक बुरे इंसान नहीं है। ठीक है, टेम्परेंस, ये किसी बैलेंस बनाने के लिए कोई एक्शन लेना चाहता है। इसको ऐसा लगता है यहाँ पे बैलेंस कायम करने के लिए कोई एक्शन लेना चाहिए इस रिश्ते में, मतलब कि एक बैलेंस बने। शायद आप लोगों के रिलेशनशिप का बैलेंस आउट हो गया कुछ टाइम से, कुछ अरसे से आप लोग के बीच एक बैलेंस कम्युनिकेशन नहीं है, या बैलेंस आप लोग के बीच नहीं हो पा रहा है, तो बैलेंस आउट है। ये पर्सन इस कनेक्शन के बैलेंस के बारे में सोच रहा है। ठीक है, लैडर ऑफ कप, अच्छी देखते हैं। इंटेलेक्ट ऑफ वैंड, जितना सोच रहा उतना डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, एलिमेंट ऑफ कप, आप लोग के बीच बातें हो रही हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा पेजेस के वेंट्स की एनर्जी में बात भी हो रही, तो बहुत ज़्यादा डीप, या तो इमोशनल साइड को लेकर बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्जेशन, या डीपेस्ट आप लोगों की फीलिंग्स डिस्कशन करना ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसी कन्वर्जेशन है आप दोनों की जो एक पेजेस, एक नॉर्मल, एक बहुत ज़्यादा एक सरफेस पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन, एक डीपली इमोशंस को डिस्कस करने वाली कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पर इस वक्त आप बिजी हैं अपने 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 विश को लेकर, अपनी अपनी चीजों को लेकर आप इस वक्त बिजी नजर आ रहे हैं। आपके माइंड में आपने कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखा हुआ है। ठीक है, आप भी बहुत ज्यादा इस पर्सन से बात करने के लिए इसको अप्रोच नहीं कर रहे, या आप इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट होने के लिए, आप इससे बहुत ज्यादा, जैसे बहुत आप इससे बात करने के लिए बहुत ज्यादा आपके अंदर एक एक जो होती थी ना क्यूरियोसिटीज की, लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है आपको लेकर, क्या इसके माइंड में, आपकी थोड़ी, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी कर लिया है अपने विशेष को लेकर। थोड़ा सा आप बिजी लग रहे हैं, शायद आपका एक थोड़ा सा आपका एक बिजी हो जाना, आपका एक अपनी लाइफ को जैसे एक नॉर्मल वे में लेकर आ जाना, शायद इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ये एक सीरियस होकर सोच रहा है। ठीक है, मतलब कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर इतनी डीप कन्वर्जेशन नहीं है, अगर आप लोगों के बीच इतनी डीप चीज़ें नहीं चल रही।
मतलब मुझे आप यहाँ पर बिजी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस आपका नहीं है इस कनेक्शन के ऊपर, आप किसी भी तरीके का फोकस नहीं दे रहे, ठीक है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ठीक है? मतलब कि आप दोनों यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह बिजी हैं, नॉर्मल कन्वर्जेशन या तो एक दूसरे के बीच एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और एक्शन नहीं लिया जा रहा। सेवन ऑफ पैंटिकल आपकी तरफ से वेट नज़र आ रहा है, ठीक है? मेरे व्यूवर यहाँ पर किसी चीज़ का इस पर्सन की तरफ से वेट कर रहे हैं कि पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले, कुछ आपको अपने इमोशंस कुछ मतलब कि डिस्कस करें अपने इमोशंस को लेकर, ठीक है? एस ऑफ वैंड, कोई न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट। यहाँ पे आप लोग के बीच एक पैशन को लेकर थोड़ी सी एक डिस्टेंस आ चुका है। वेट, मैं पानी पी लूँ। करंट फीलिंग्स में पता है क्या, मतलब कि इन डेप्थ सोचा जा रहा है बहुत ज़्यादा, एक ओवर थिंकिंग चल रही है, लेकिन बाजारी एक दूसरे को नॉर्मल रूटीन दिखाई जा रही है, ठीक है? ये पर्सन आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है? और आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कन्वर्जेशन को ये डीप करे, इस कन्वर्जेशन को ये इंसान थोड़ा सा कम्युनिकेट करे। अब इसको करना चाहिए, आपने इन्वेस्ट करना था कर लिया आपने इससे बात, मतलब कि यहाँ पर जो आप इन्वेस्ट कर सकते थे आपने वेट भी करा, इन्वेस्ट भी करा, टाइम भी दिया, वक्त भी दिया, मनी भी दिया, माइंड भी दिया, सब कुछ इमोशंस भी दिए। तो अब आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को इन्वेस्ट करना चाहिए, अब आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को कनेक्ट होना चाहिए एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, ठीक है? एक पैशनेटिव स्टार्ट करने के लिए। आप चाहते हैं ये पर्सन पास्ट को छोड़ दे, ठीक है? ये पर्सन भी चाहता है पास्ट को छोड़कर एक न्यू बिगनिंग की जाए, एक न्यू स्टार्ट किया जाए, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली ब्लॉक है ये पर्सन आपकी तरफ एक खुलकर एक्शन लेने के लिए, खुलकर चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, आप लोग के साथ एक बैलेंस बनाने के लिए। आपको लेकर बहुत सीरियस वे में सोच रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन करना भी चाह रहा है, बात भी करना चाह रहा है। आप इस वक्त फोकस हैं, आपको जैसे बहुत ज़्यादा आप एक नॉर्मली कैजुअल एक वे में आ चुके हैं, तो आप इतना हावी नहीं कर रहे इस पर्सन को। आपने अपने आप फोकस कहीं और भी आपने अपना फोकस, मतलब कि अलग अलग जगह आप अपने आप फोकस कहीं और आपने चेंज कर दिया, ठीक है? पहले आपका ये रिश्ता फोकस था, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाके बैठने लगे, अपने फ्रेंड्स बनाए आपने और लोगों के अपने साथ कनेक्ट करा, आपके फ्रेंड्स बन चुके हैं, आप अपनी गैदरिंग में जाते हैं कहीं ना कहीं अपनी विशेष, कहीं आपका ऑफिस कोलीग्स वगैरह में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, ठीक है, जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है इस पर्सन से और इस पर्सन को आपको सोचने का मौका दे रहा है, ठीक है? आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स ये हैं कि आपके ऊपर ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप थोड़े से चेंज से हैं, ठीक है? ये आपसे चीज़ें या आपके साथ जो पास्ट में हुआ ही चाहता है वो ख़त्म हो जाए और आप लोग एक साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप की तरफ आएं। बिल्कुल फूल, ये पर्सन रिस्क टेकिंग करना चाहता है इस कनेक्शन की तरफ, दोबारा एक रिस्क टेकिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स में, रिस्क टेकिंग, लेकिन पास्ट को कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहा, पास्ट में कहीं ना कहीं बंधा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? ये पर्सन खुद भी चाह रहा है आप भी छोड़ दें पास्ट को, खुद भी छोड़ दें, कम और एक तरफ मूव करते हैं, लेकिन ना पास्ट को ये छोड़ पा रहा है ना इसके थाट्स, ये इस थॉट अपने मेंटली ब्लॉकेज से बाहर निकल पा रहा है। किसी ना किसी चीज़ का लॉस तो है इसको पास्ट में, ठीक है? पास्ट में इसने इसको किसी ना किसी चीज़ का अफसोस तो है जो इसके ऊपर ये हैवीली, जिसकी वजह से सोच रहा है। इमोशनली थोड़ा सा वीक है, लॉस्ट है, इमोशनली इसको नीड है किसी की, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, होल्ड बैक कर रहा है आपके पर्सन, सोच रहे हैं चीज़ों को, आपसे उतनी डिस्कस नहीं कर रहे जितना ये पर्सन सोच रहा है, एक ओवर थिंकिंग कर रहा है। हर्मिट से भी, फोर ऑफ सोच से भी आइडिया है न्यू बिगनिंग हो सकती है अगर मेंटली ब्लॉकेज से बाहर निकले, पास्ट को पीछे छोड़े और आपसे चीज़ों को चेंज कर सकता है, लेकिन कुछ है जो पास्ट पास्ट में इसको बार बार हॉन्ट करता है। पास्ट पास्ट में आप दोनों के बीच कुछ हुआ है, किसी की वजह से हुआ है, कोई यहाँ पर थर्ड सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कुछ हुआ है, पास्ट का बुरा इफेक्ट है आपके रिलेशनशिप पे, ठीक है? इस पर्सन के माइंड में तो टोटली इफेक्ट है, मेंटली ब्लॉकेजेस में इस वक्त ही आपसे खुलकर इसलिए बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है या हो सकती है, ये इजी होगा, लेकिन इतनी डीप कन्वर्सेशन, एक विश फुलफिलमेंट, एक मैरिज, एक कमिटमेंट, एक डीप डाउन रिलेशनशिप, वैसी कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है? टेम्परेंस, खुद को बैलेंस करना चाह रहा है, खुद को हील करना चाह रहा है, जिस इसको ऐसा लग रहा है इसको इनर हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है? इसको एक हीलिंग की ज़रूरत है, अभी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना आपसे ना किसी और से, एक्सेप्टेंस करने की एक्सेप्ट करने की अभी उसमें नहीं है, ठीक है? कंडीशन में नहीं है। और आपके लिए एक एडवाइस बहुत अच्छी होगी, इस वक्त आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, ये टाइम आपका आपकी ज़ात पर काम करने के लिए, ठीक है? थ्री ऑफ पैंटिकल, आप चाहते हैं यहाँ पर टीम वर्क करना, आप चाहते हैं कोलेबरेट करना, टीम वर्क करना, एक साथ आके काम करना। हाई प्रिसेस, आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को सुने, साइलेंट रहें, आपको टीम वर्क से ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करने की नीड है। अगर आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ टीम वर्क करना चाह रहे हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने की नीड है, साइलेंट रहकर आपको अपने ऊपर वर्क करने की नीड है, अपने थॉट्स पे, अपने अपने सोल पे, अपने आप को
बैलेंस करने की नहीं दे, आपको डिवाइन यहाँ पर गाइड कर रही है, उस गाइडेंस को समझें, उस साइलेंट जो एक साइलेंट रहने से आपका रिश्ता जितना बेहतर हो सकता है, इतना एफर्ट करने से नहीं, जितना आपका फोकस कहीं और ले जाने से आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है, उतना इस कनेक्शन पे फोकस करने से नहीं, ठीक है। कभी कभी हमें नीड होती है अपने सेल्फ को एक सेल्फ फोकस करने की, ठीक है, अपने सेल्फ को बिल्ड करने की, अपने सेल्फ को ग्रोथ करने की, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये हमारे लिए एक ज़रूरी एक डोज की तरह होता है, ये हमें अपने आप को देनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो आपको कहा जा रहा है इस रिश्ते में आप बज़ाहिर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप इस पर्सन को दिखा रहे हैं मैं बिज़ी हूँ, मेरा फोकस चेंज है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में कोलैबोरेशन चाहते हैं, आप रिश्ते में टीम वर्क चाहते हैं, लेकिन डिवाइन आपको कह रहा है जो आप दिखा रहे हैं आपको करना रियलिटी में वही है, ठीक है। तभी ये रिश्ता एक ट्रैक पे आएगा, तभी ये रिश्ता बैलेंस पे आएगा। आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, ये बहुत डीप डाउन सोच रहा है आपको लेकर, सीरियस वे में सोच रहा है, बातचीत हो भी सकती है, आप लोग की कम्युनिकेशन नॉर्मली हो भी सकती है, लेकिन जिस तरीके से आप चाहते हैं आपको लेकर सोचे, तो आपको अपना फोकस थोड़ा चेंज करना है, अपने आपको दिखाना है कि आप एक को डिपेंडेंट पर्सन नहीं है, आप डिपेंड नहीं है इसके ऊपर, आप इसकी जात पर डिपेंड नहीं है, ये पर्सन नहीं है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, ये मत बोलें इसको बार बार, ये इसको बोलेंगे ये एक एनर्जी सकर का काम करेगा, ये एनर्जी को सक करेगा आपकी और अपने आप को फुलफिल करेगा, अब इसको बैलेंस की नीड है तो ये सोच रहा है, इमोशनली लॉस्ट फील कर रहा है, क्योंकि आप वो इमोशंस प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, अब वो ये आपको ड्रेन करके आपकी एनर्जी को सक नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो एक माइंड से आप सोचें, ठीक है, ये पॉजिटिव चीज़ होती है, हमें अपने ऊपर वर्क करना, सामने वाला ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सिंगल, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम तक सिंगल रहना पड़ रहा है, सिंगल रहें, इंडिपेंडेंट रहें, अपने ऊपर वर्क करते रहें, हीलिंग आपके लिए, हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हील करें। ये जो टू ऑफ कप्स आते हैं इसको सबसे पहले आपको अपने साथ शेयर करना है, इस टू ऑफ कप्स को अपनी सोल के साथ, फिर आपको उसको हील और मैनिफेस्ट करना है एक अपनी लाइफ में, ठीक है। चैरियट, अपने आप को आगे बढ़ाएं, चीज़ें आगे बढ़े ना बढ़े, आप इस ज़िंदगी में रुकने के लिए नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ करने से पहले, कुछ कहने से पहले, इमोशनली डीप डाउन जाने से पहले, बातें करने से पहले, अपने थॉट्स को आपके सामने रखने से पहले, इतना कुछ हो चुका है फिर भी ये पर्सन सोच रहा है, सोचने दें, ठीक है। आपका काम नहीं है इसको पुश करना, इसको बोलना कि मुझसे बात करो, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। जब अगले को अपनी लाइफ की नहीं पड़ी, जब वो अपने आप को सोच कर खुद हलकान कर रहा है, वो सोच कर अपनी ज़िंदगी का खुद वक्त ज़ाया कर रहा है, तो आपको क्या पड़ रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में रवा दवा रहे हैं, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड, चीज़ें हाइट कर सकते हैं तो हाइट करें, ठीक है, उतना ही अट्रैक्ट होगा ये आपसे, अपनी ज़ात से जुड़ी, अपनी चीज़ों से जुड़ी, अगर आप हाइट नहीं करेंगे तो ये हाइट करेगा, ये गोस्ट करेगा, ये इग्नोर करेगा, ठीक है। मैजिशियन, मैनिफेस्ट करें, ठीक है, आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में इस पर्सन को। फोर ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज कमिटमेंट इस पर्सन से करें, मैनिफेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, मैनिफेस्ट करें, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ की खबर रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका किसके साथ कनेक्शन है, आपकी किसके साथ बातचीत है, दिखा यार ये रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन इसकी आधी एनर्जी, आधी ध्यान आपके ऊपर है, इसकी आधी एनर्जी आपको सोचने में चले जाती है, ठीक है। इसकी दिन भर की जो एनर्जी इसके अंदर जो जनरेट होती है वो आधी एनर्जी आपको सोचने में जा रही है इसकी, ठीक है। 24/7 इसका आधा दिमाग तो यहाँ लगा हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या स्टेप ले रहे हैं, आपका क्या सोच है, तो इसी चीज़ को लेकर, ठीक है। एस ऑफ कप, इस रिश्ते में लव है, ठीक है, लेकिन एक एम्परर, एक बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन, ठीक है, जो मेंटली बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस का पर्सन, हैंग, ये सिचुएशन में कहीं हैंग है, स्टक है, ठीक है। इस वक्त जो राइट नाउ आपके पर्सन की जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, सोचे ज़्यादा हैं, रिस्क टेकिंग करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। आप अपने आप को, आप यहाँ पर इस पर्सन को चेस करेंगे तो ये बिल्कुल ही आपके हाथ से जाएगा, ठीक है। चेजिंग एनर्जी में नहीं आना, बैलेंस रहना है, आप खुद बैलेंस नहीं, इस पर्सन को बैलेंस की नीड है, मतलब कि आप देखें, आप जिसको भी चेस करते हैं ना, आप उससे ये बात समझ जाए, उसके पास खुद कुछ नहीं है देने को, तो वो आपको क्या देगा, वो चेस उसी लिए कर रहा है, वो रन इसी लिए कर रहा है, आपसे भाग इसी लिए रहा है, आप जिसको चेस कर रहे हैं, जो भाग रहा है आपसे, उसके पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, तभी वो भाग रहा है आपसे, समझ आ रही है आपको। लव हो, केयर, आप बोले हमने मटेरियलिस्टिक कुछ नहीं मांगा, हमने उसके कपड़े नहीं मांगे, हमने उसकी ज्वेलरी नहीं मांगी, हमने उसकी ज़रूरत का सामान नहीं मांगा,
हमने लव मांगा, उसके पास वो भी नहीं है देने को, उसके पास वो इमोशंस भी नहीं है देने को, तभी वो भाग रहा है, भागने में इसीलिए वो आपसे भाग रहा है कि आप उसको ऐसा लग रहा है कि डिपेंड हो रहा है मेरे ऊपर, ठीक है, उसको फील ऐसा हो रहा है मेरे ऊपर वैसी इतनी जिम्मेदारियां हैं और ये डिपेंड हो रहा है मेरे ऊपर, ये मुझसे होप लगा रहा है। उसको खुद आप एक होप दे सकते हैं, ठीक है, आप इतने पावरफुल हैं आप उसको होप दे सकते हैं, लेकिन वो सोच रहा है कि ये तो मुझसे होप लगा रहा है फ्यूचर के लिए, वो इसलिए भाग रहा है, इस बात को सोच कर भाग रहा है। सिचुएशन स्टक है आप लोगों की, बुरे तरीके से स्टक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, थर्ड थर्ड एलिमेंट, थर्ड फैक्टर है, कुछ टॉक्सिसिटी है, थर्ड आपकी आपकी अब थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, फाइनेंशियल किसी की फैमिली, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कास्ट कल्चर रिलीजियस सोसाइटी किसी, कुछ भी हो सकती है, कोई थर्ड फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी आपका रिलेशनशिप बुरे तरीके से स्टक है, ठीक है। डिफेंसिव है एलिमेंट ऑफ सोल, अगर आप लोग की बातचीत नहीं है, बातचीत हो जाती है फिर एक चीज़ें टावर मूवमेंट का शिकार हो जाती हैं, टावर मूवमेंट की तरफ जाते जाती हैं। यहाँ पर चीज़ें सब डेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ पर डेस्टिनी आप लोग के बीच जो सेपरेशन हो रहा है डेस्टिनी करवा रही है, ठीक है, जो एक बार बार एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है वो डेस्टिनी करवा रही है। टेन ऑफ सोल, आपने पास्ट में कुछ एंडिंग हुई है, कुछ एंडिंग देखी है, ड्रामा देखा है, टावर देखा है, यहाँ पर कुछ आप लोगों ने फेस करा है इस रिश्ते में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कुछ फेस करा है, कोई आपने ड्रामा देखा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपने जिसको आपने जो फेस करी है थर्ड पार्टी, वो बहुत बुरे तरीके से आपके ऊपर इफेक्ट कर रही है, ठीक है, उसका इफेक्ट रहा है आपके ऊपर, बहुत बदला है आपने खुद को इन सब चीज़ों से निकाल कर। इस वक्त ये पर्सन खामोश है, साइलेंट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे बातचीत नहीं हो सकती, बातचीत नहीं है तो बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर आप बोलें कोई सॉलिड डिसीजन, कोई सॉलिड क्या हो सकता है, तो अभी ये डेस्टाइन है, डेस्टिनी पे डिपेंड है, ठीक है, इसने अपनी वैसे भी लाइफ में कुछ डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। आपके पार्टनर की इस वक्त आपको लेकर क्या एनर्जी है, लेट्स सी, चेक करते हैं किस एनर्जी में है ये पर्सन। आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर क्या एनर्जी है, लेट्स सी। सन, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपका रिलेशनशिप एक जैसे कहीं ना कहीं अब खामोशी में है, विक्ट्री, ये पर्सन विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है, रेस्ट एंड रिज्यूवनेट, ये मेडिटेशन में है इस वक्त, हीलिंग में है ये पर्सन, इसको क्लैरिटी मिल रही है, डिसीव डिसीड, इस पर्सन ने पास में आपको डिसीड दी है, कोई थर्ड पार्टी चूज़ करी, कोई थर्ड पार्टी बनाई है, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है, यहाँ पे हीलिंग, स्ट्रॉन्गली हीलिंग आपके पर्सन की आपके पर्सन की हीलिंग हो रही है, लेकिन देखें थिंकिंग वूमेन, बहुत ज़्यादा ये पर्सन मेल है या फीमेल, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस सिचुएशन के बारे में, हैवीली ये पर्सन सोच रहा है। सिक्स चक्र आर्कएंजल, यहाँ पे एक हीलिंग चल रही है, कोल्ड डिटैच एनर्जी है, ठीक है, वॉकिंग अवे, यहाँ पर इस वक्त कनेक्टेड नहीं है पर्सन आपकी लाइफ से, ठीक है, कनेक्टेड नहीं है, वॉक अवे सीन पर है ये, मतलब कि अभी सोच रहा है, समझ रहा है, चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है, वॉक अवे, या तो आप हैं या तो ये पर्सन है, एनर्जेटिकली हैं, अगर आप लोग बात करते हो कुछ कॉन्ट्रैक्ट, एनवी, कुछ जेलसी, कुछ एनर्जी, यहाँ पे अदर साइड के लोगों का इन्फ्लुएंस भी आपके रिलेशनशिप पे है, ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हैं तो यहाँ पर अदर साइड के लोगों का, जैसे इधर उधर के लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप को। कम्युनिटी हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप में एक सिमिलर फ्रेंड कम्युनिटी, या तो सोसाइटी, किसी की फैमिली, पास में थर्ड पार्टी रही, अब मैरिज की बात हो रही तो कोई फैमिली इंटरफेयर हो गया आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो ये पर्सन जिसके ऊपर एक साइलेंट ट्रीटमेंट पे है, ठीक है, एक साइलेंटली ये उस चीज़ को डील कर रहा है, एक अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को डील कर रहा है, ठीक है, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, ठीक है, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रहा है। अगर आपके लिए यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ आपको वो समझ नहीं रहा था, आपको थर्ड पार्टी और उसके बीच ये थर्ड पार्टी के बीच और थर्ड पार्टी और ये जो सिस्टम है ये जानता है, आप इससे आप उससे बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, इसकी लाइफ को आप, अगर ये आपके साथ जुड़ता है तो इसकी लाइफ आपकी एक आपके साथ जुड़कर अच्छी अच्छी जगह जा सकती है।